अब सोलो सिको रोमा रेंस का मैच WWE यहाँ पर करवाने वाली है, ऐसा तो हम सभी ने सोचा ही नहीं था। और अब अंडरटेकर भी हमें बहुत जल्दी WWE के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंडरटेकर ने खुद इस बात को बोला है कि वो WWE के अंदर रिटर्न करेंगे। कोडी रोड्स और रॉक का भी मैच कब हो सकता है, इसको लेकर भी भाई अपडेट निकल गए सामने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दी डेडमैन अंडरटेकर के बारे में। डेडमैन भी हमें बहुत जल्दी WWE के अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे रोमा रेंस का रिटर्न हुआ है वैसे हमें अंडरटेकर का भी देखने को मिल सकता है। मैं यकीन के साथ कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि भाई अंडरटेकर ने खुद इस बात को बोला है वो भी WWE के अंदर आना चाहते हैं, वो भी रिटायर नहीं हुए हैं। अंडरटेकर अभी लोगन पॉल के शो के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे लोगन पॉल से वो बात कर रहे हैं। अंडरटेकर बातों बातों में कहता है कि देखो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि मैं WWE से रिटायर हो चुका हूँ, मैं एक लास्ट मैच देना चाहता हूँ WWE को। और जब भी मैं रेसलिंग के बारे में बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अभी भाई रिटायर नहीं हुआ, मैं अभी एक और मैच दे सकता हूँ। अंडरटेकर को ऐसा लगता है कि वो एक और मैच दे सकते हैं भाई, बाकी अगर आप लोग देखो तो भाई अंडरटेकर आ सकता है WWE। बाकी अंडरटेकर कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए भी आए थे, तो भाई आ सकते हैं WWE के अंदर वो। बाकी क्या आप लोग डेडमैन को देखना पसंद करोगे वापस या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स और रॉक के बारे में। तो हमें पता है इन दोनों का मैच होना ही होना है, लेकिन एक शॉकिंग चीज निकल के सामने है कि इन दोनों का मैच जहाँ पे हमने सोचा था वहाँ नहीं होगा, इनका मैच भाई WWE रेसलमेनिया 41 के अंदर करवाने वाली है। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है डेव मिर्जा की तरफ से, उनका ऐसा मानना है कि WWE कोडी रोड्स और रॉक का तो मैच रेसलमेनिया 41 में कराएगी, उसी के साथ साथ रोमा रेंस और सोलो सिको का मैच भी रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब देखो कोडी रोड्स और रॉक का तो मैच भले ही कहां पर भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन जो बात आती है ना वो है सोलो सिको और रोमा रेंस के। जैसे रोमा रेंस का रिटर्न अभी हो चुका है, रोमा रेंस और सोलो सिको का मैच ऐसे सर्वाइवर सीरीज के अंदर होना चाहिए, लेकिन WWE इसको रेसलमेनिया 41 के अंदर कराएगी, ये अपने में काफी ज्यादा शॉकिंग है। ऐसा हमने सोचा ही नहीं था कि अगले साल मतलब रोमा रेंस और सोलो सिको का मैच हमें देखने को मिलेगा, वो भी रेसलमेनिया 41 में। अब भाई रेसलमेनिया से पहले भी इनका मैच हो सकता है, वैसे सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी हो सकता है इनका मैच, लेकिन डेव मिर्जर का ऐसा मानना है कि WWE रोमा रेंस और सोलो सिको का मैच रेसलमेनिया 41 में करवाएगी। बाकी क्या लगता है आपको, रोमा रेंस और सोलो सिको का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होना चाहिए या फिर नहीं? देखो अगर रेसलमेनिया के अंदर होता है तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, हमने तो ऐसे सोचा हुआ शायद सर्वाइवर सीरीज के अंदर इनका मैच हो सकता है। बाकी आप लोग बताना आपको क्या लगता है। तो ये कुछ अपडेट थी भाई रोमा रेंस और सोलो सिको को लेकर, बाकी अंडरटेकर भी आ सकता है WWE में। तो बस आज के इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल में पहली बार आ रहे हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में।